नमस्ते भारत। बलराम किसान है, बड़वानी मध्य प्रदेश से। आज आपको लेके चलता हूँ झज्जर हरियाणा, गौशाला है यहाँ पर। और संजय भाई, राम राम। नमस्कार। एक तो थोड़ा मास्क निकाल के अपना परिचय दीजिए। गौपुत्र संजय जाखड़, गौशाला डीगल। आपका स्वागत। आई, थैंक यू। दिखाता हूँ मैं आपको गौशालाओं में, कहीं कहीं टचअप ले रहे हैं। ये साइजेबल गौशाला है और टचअप ये हो रहा है कि जितने गोवंश गोमाता हैं उनको संरक्षित कैसे किया जाए। राम राम जी, कैसे हो भाई? सत्यवान डाटा जी। बलराम किसान, आइए जी। काफ़ी नाम सुन रखा है आपकी गौशाला का। संजय भाई ने तारीफ करी बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, गौ माता यहीं से। राम राम जी। कौन सी जगह है ये? तहसील बेरी, जिला झज्जर। झज्जर में काफी पुराना लग रहा है ये। 100 इस बिल्डिंग को 30 साल हो गए। इसके अलावा दूसरी पुरानी, 100 साल की है। पुरानी की बात है। पुरानी। अच्छा, जिस हिसाब से मतलब रिक्वायरमेंट एंट्री है और जो मैनेजमेंट और जो साफ सफाई भी की है, उससे ये पता लगता है कि यहाँ के जो पशु धन है वो कैसे हैं। मैं बड़वानी मध्य प्रदेश से हूँ। आपने इंदौर का नाम सुना होगा, उनसे 140 किलोमीटर पर। गुजरात, महाराष्ट्र और MP का एक बॉर्डर है बड़वानी। हम कुछ समय से अभी CNG पर काम कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा, गाड़ियों में चलता भी देखा होगा CNG। तो CNG कई सारी चीज़ों से बनता है। गोबर से भी बनता है, पराली से भी बनता है, नगर पालिका किचन वेस्ट हो उससे भी बनता है। भैया जी के साथ जब मुलाकात हुई तो हरियाणा में, फिर मैंने सोचा कि हम राजस्थान में ऑलरेडी कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो भैया जी ने यहाँ का भी स्कोप दिया कि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी गौशालाएँ हैं और वहाँ पर भी अटैचमेंट किया जा सकता है। मेन उद्देश्य मेरा जो है, मैं क्यों इस लाइन में अंदर आया, जितनी भी गौ माताएं हैं वो अच्छे से सही जगह संरक्षित होकर खाना पानी मिले, जो बीमार है उनका इलाज मिले और वो कभी भी रोड पे न जाए, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट में आया हूँ। गोवंश का जो संरक्षित एरिया है वहाँ पर एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी का हम प्रोजेक्ट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। वहीं का पैसा वहीं गौशाला को चलायमान रखे, ना कि बाहर से कुछ पैसे पर हमको आश्रित होना पड़े कि कुछ दान आए या कुछ डोनेशन आए तो गौशाला चले। और जिस जगह पर वो गौशाला है वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के क्षेत्र के लिए रोजगार भी जनरेट हो और उस गौशाला के साथ साथ उस गांव का, उस क्षेत्र का विकास भी हो, ऐसा कुछ एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी को हमने टच किया है। अलग अलग पहलू है, मेरा या हमारे ग्रुप का कतई इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी गौशाला में 5,000 गायें हैं तो यहाँ हम आकर के यूनिट डालें और यहाँ से 2 पैसा कमा के जाएं। एक पूरी साइकिल है।
आप जो भी गौशाला के ट्रस्टी हैं आप लोग मीटिंग कीजिए, पहले तो ये समझिए कि हमारी ये जो गौशाला है क्या इसको सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं, यहीं से इसका पैसा जनरेट हो और यहीं पर लगे और यहीं पर साइज इसका बढ़ते रहे, बाहर एक भी गाय बीमार हो या स्वस्थ हो वो बिना भोजन के घूमे नहीं रोड पे, हम उसको अंदर लाएं और उसका लालन पालन करें। अभी क्या होगा कि अभी हम ऐसा सोचेंगे कि बाहर की गोवंश को अंदर लाएं तो विचार आएगा कि इनका फिर 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये रोज का खर्चा बढ़ जाएगा, 10 गोवंश आए तो 1000 रुपये खर्चा बढ़ गया। तो हमारे पास अभी पैसा है क्या, हम बाहर से गोवंश जो घूम रहे लावारिस उनको ला सकते हैं क्या, तो एक बड़ा प्रश्न है। और जब सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है तो हम बोलेंगे कि भैया बाहर किसी को भी गोवंश दिखे तो लाकर यहाँ छोड़ दो और अपना पुरस्कार लेकर जाओ, उल्टा होगा। तो इसके लिए CNG और बायो फर्टिलाइजर दो चीज साइजेबल निकलती है। जैसे उदाहरण में अगर बताऊं आपको, मैं इसलिए फटाफट चालू ही हो गया कि हमारी एक आगे मीटिंग है, मैं कुछ मोटी मोटी चीजें आपको बता दूं ताकि फिर आप भैया के साथ बैठ करके चर्चा कर लो, फिर ऐसा लगेगा तो बड़ी मीटिंग और आपकी पूरी टीम के साथ बैठ जाएंगे, आपके क्वेश्चन आंसर उसमें और चल जाएंगे। एक गोवंश, एक गो माता लगभग दिन भर में 10 से 12 किलो गोबर करता है, 5000 गायें हैं तो अच्छा साइजेबल गोबर मिलेगा पर डे का। उसका कलेक्शन और ये CNG जो बनाने की प्रोसेस है ये तो सूखे से भी बनता है, जैसे पराली सूखी है उससे भी CNG बनेगा। लेकिन हमने क्या किया है, इसके सिस्टम को एक टच दे दिया है स्पेशल केवल गौशाला के लिए। गौशाला है तो जो CNG यूनिट लगाएगा या लगाने वाला है उसको हम गीला गोबर देंगे, सूखा नहीं। मैंने वो प्रावधान में लिखवा दिया है कि हम गीला ही देंगे। तो गीला गोबर देने से आपके गोबर का वजन हो गया 4 गुना, आपने इकट्ठा किया और 2 महीने बाद उठाने का बोला तो ऊपर की जो परत है 2-2 फीट की वो तो सूख गई, नीचे पेंदे में कोने में गीला बचा है, 4 गुना वजन कम हो गया। तो जो भी रेट तय होता है वो 4 गुना आप मान के चलो, क्योंकि गीला ताजा गोबर आज हुआ है, अभी हुआ है, उसको 3 घंटे में कलेक्शन करके देना है, फिर शाम का जो राउंड है उसको 3 घंटे में कलेक्शन करके देना है। तो एक मॉडल तो ये बन सकता है कि जो हमारी संस्था है बी किसान, ये किसानों का ग्रुप है, किसानों की कंपनी है, आपके ट्रस्ट में से जो ट्रस्टी है या पूरी ट्रस्ट उसमें शामिल हो सकती है एज ए शेयर पार्टनर। एक मॉडल क्या बन सकता है वो बता रहा हूँ, आपकी ट्रस्ट या आप मित्र जो शामिल होना चाहे उसमें एज ए शेयर पार्टनर शामिल हो सकते हैं और वो संस्था यहाँ CNG यूनिट लगाए, जो भी होगा साथ में रहेगा। दूसरा एक ये हो सकता है कि आप केवल अपने गौशाला का गोबर दे दो जो रेट आपस में बैठ कर तय, उदाहरण के लिए 1 रुपये किलो गोबर का रेट तय होता है, तो कम से कम 10 से 12 साल का एग्रीमेंट होगा कि फिर आप निरंतर हमको गोबर दोगे 10 साल तक, क्योंकि जो यूनिट लगेगा 5000 गोवंश है तो कम से कम यहाँ 50 CR वाला यूनिट लगेगा 50 करोड़ का, तो वो यूनिट की कास्ट निकलना चाहिए, उसने सर्वाइव होना चाहिए, तो कम से कम 10 साल के लिए आपके गोबर का एग्रीमेंट होगा। आपके पास जमीन हो 5 एकड़ जमीन लगेगी, मैक्सिमम 3 एकड़ से काम चालू हो सकता है, तो उस जमीन का किराया हम देंगे, यूनिट हम लगाएंगे, आपसे गोबर का रेट तय करके हम आपसे पर डे का गोबर परचेस कर लेंगे। एक मॉडल ये हो गया। अगला मॉडल, आपकी ही ट्रस्ट अगर CNG यूनिट लगाना चाहती है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, CNG लगाने के लिए जो जो जानकारी है, लाइजनिंग का काम, पेपर वर्क का काम, जो उससे जानकारी है वो सारी जानकारी आपको अवेलेबल करा देंगे। जहां CNG यूनिट लगे हैं आपकी टीम निकलो एक दिन बाहर, विजिट करके देख लो, आपको अच्छा लगता हो कि हम ही ट्रस्ट ही लगाएं तो सारा सपोर्ट हम कर देंगे आपको यूनिट लगाने तक का। CNG मार्केट में बेचना, उसके गवर्नमेंट से बाय बाय एग्रीमेंट होते हैं 42 रुपये किलो के, वो लाइफ टाइम के लिए आपको एग्रीमेंट करना हो तो CNG बनेगा नहीं, उसके पहले गाड़ी खड़ी रहेगी ले जाने के लिए। आप अगर यहाँ पंप पे देखोगे तो 1-1 किलोमीटर की लाइन लगती रहती है। तो CNG बनाने का यूनिट आप खुद करना चाहो तो उसकी लाइन दे सकते हैं। पंप लगाना है
तो आपकी गौशाला के नाम से मार्केट में पंप लॉन्च होंगे, जैसे भारत पेट्रोलियम है, सेल गैस है, रिलायंस है, ऐसा आपके ही नाम से आप किसी को सीएनजी पंप अलाट कर सकते हो या खुद लगा सकते हो। एक बनाने का काम हो गया, दूसरा काम लगाने का हो गया। तो ये पूरी पाइपलाइन सेट करवा के देना, पेपर वर्क कहाँ क्या है वो सारा हम आपको हैंड ओवर करके समझा सकते हैं। उद्देश्य एक ही है कि आपकी जहाँ गौशाला हो इसके 25 किलोमीटर के रेडिएशन पे अगर एक भी गोवंश घूम रहा हो तो हमें आपसे एक ही जिम्मेदारी चाहिए वो राइटिंग में कि आप उस गोवंश को, लावारिस गोवंश को अंदर बुलाओगे और आपकी गौशाला में संरक्षित करोगे। क्या 25 किलोमीटर में 8 गौशाला है? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी गोवंश बाहर रोड पर 3 घूम रहे हैं उदाहरण के लिए, 8 गौशाला क्या काम की है अगर वो किसी गाड़ी के नीचे टक्कर लग जाए। तो मैं जिस गौशाला के साथ जुड़ू कम से कम वो तो जिम्मेदारी ले कि बलराम भाई यहाँ आकर के हम साथ में जुड़कर आगे चल रहे हैं, तो कम से कम एक तो आगे आए कि भैया मेरी नजर के सामने जो गोवंश घूम रहा है कम से कम उसको मैं संरक्षित कर लूंगा। ठीक, ये हम पेपर पे लेंगे, तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हमारी केवल इतनी सी ख्वाहिश है। इसमें अलग अलग मोटो है, जैसे 5000 गौशाला है, गोवंश है, तो कम से कम 1 रुपये किलो भी गोबर का होता है तो 50,000 रुपये पर डे का काम एक चालू होता है छोटा सा, कि हमने केवल गोबर बायबैक कर लिया। दूसरा, सीएनजी लगाने के लिए हमने 2-3 एकड़ जमीन दे दी लीज पर, उसका किराया हो गया, तो ये एक मोटा मोटा क्या बन गया आपका, 1-1.5 लाख रुपये पर दिन महीने का रेंट हो गया, और ये हो गया तो 1 लाख रुपये रोज का एक छोटा सा मॉडल बन गया 5000 गौशाला के लिए। अब इसको आप खुद वैल्यू एडिशन करते हो तो क्या निकलेगा, 5000 गौशालाओं का जितना गोबर इकट्ठा हुआ सीधा लगेगा पीछे 0, 50,000 केजी, 50,000 केजी पर डे का जो गोबर इकट्ठा होगा उसका 1% बनेगा सीएनजी, 10% और 10% बनेगा बायो फर्टिलाइजर, और 50,000 लीटर बनेगा लिक्विड फर्टिलाइजर। अभी 2-3 चीजें आई, एक सीएनजी आया, एक बायो फर्टिलाइजर आया, एक लिक्विड फर्टिलाइजर। आप खुद यूनिट लगा करके सेल करना चाहते हैं तो लगभग 1 टन सीएनजी पर डे की प्रोसेस होगी, 5000 गोवंश के जो गोबर से सीएनजी बनेगी 1 टन, ठीक है। इसमें लगभग लगभग 5 टन बायो फर्टिलाइजर निकलेगा और 50 टन के लगभग लिक्विड फर्टिलाइजर निकलेगा पर डे का। अब जो 1 टन सीएनजी है उसका अभी 56 रुपये का शायद रेट है मार्केट में, ठीक बात है, ये मार्केट रेट है, और गवर्नमेंट के साथ आप बायबैक एग्रीमेंट करोगे तो 46 रुपये में कर पाओगे। फिर हमें यूनिट पे बेचना नहीं है, हमें गवर्नमेंट को देना है, वो पैसे दे देगी, बात खत्म। तो इसका मोटा मोटा जो भी पैसा बनता है कॉस्ट क्या होगा लगाने का, मैं पूरा बतलाता हूँ। सीएनजी का एक कॉस्ट बन गया, बायो फर्टिलाइजर का आप करते हैं 5 टन का तो गुणित थोक में आपके यहाँ से 4-5 रुपये किलो जाएगा। अगर आप वैल्यू एडिशन करके बेचते हैं कि आपने उसको अच्छा से बनाया और पैकिंग करके आपने बेचा तो 10 रुपये किलो तक जाएगा, तो 5 टन गुणित पीछे 0 लग गया। और लिक्विड फर्टिलाइजर जो है, जो इफ्को है या इफ्को के जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं, वो आपसे थोक में बायबैक एग्रीमेंट करेंगे 1-3 रुपये लीटर के बीच में पर डे का उठाएंगे, और खुद आप वैल्यू एडिशन करके बेचोगे तो लोकल में साइजेबल बड़े ड्रम में दोगे तो 10 रुपये लीटर तक जाएगा, और खुद की कंपनी बना करके इस ट्रस्ट की ब्रांडिंग करके 5-10 लड़के मार्केटिंग के लिए लगाए, जो हरियाणा के जितने जिले हैं एक जिले का एक लड़का जो किसानों को समझाए फर्टिलाइजर यूरिया कम करके आप बायो फर्टिलाइजर से खेती कैसे करो, उसकी पूरी पाइपलाइन है।
तो वो 100 रुपए लीटर बिकता है। तो किसी भी चीज की ब्रांडिंग करके बेचते हैं। अगर इस मॉडल पे आप खुद जाएंगे तो लगभग 5 लाख रुपए रोज का काम होता है। ऐसा लगता है कि बलराम बहुत बड़े बड़े आंकड़े दे रहा है, लेकिन ये फैक्ट है। किसी भी कंपनी में 1 रुपया जाता है, उसका वैल्यू एडिशन होता है तो 0 लग जाता है पीछे। मतलब हम हमारे गोबर का अगर वैल्यू एडिशन करें, एक एक प्रोसेस करें तो 0 लगा। 1 रुपए किलो आपने बेच दिया, 1 प्रोसेस किया तो 10 रुपए किलो हो गया। अब उसकी मार्केटिंग करके, ब्रांडिंग करके, मार्केट में हमने लड़के उतार कर बेचा तो हमारे गांव के छोरों का रोजगार निर्मित हुआ। उसके पीछे 1 जीरो फिर लग गया, वो 100 रुपए किलो हो गया। दूध गाय माता के बछड़े के लिए, और इस गौशाला में जितने हमारे भाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, गोवंश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए जो बचता है दूध A2 मिल्क, उसको दूध को मार्केट में नहीं बेचना है, उसका वैल्यू एडिशन है। हम अभी 2100 रुपए किलो घी बेच रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे भारत से जो हमारे साथ में गौशालाएं जुड़ रही है, शुद्ध दूध जो मथनी करके महिलाएं बनाती है, उस टेक्निक से, मोटर से, मशीन से नहीं, पूर्वज बनाते थे उस टेक्निक से। तो एडवांस ऑर्डर है 2100 रुपए किलो का, जो नहीं रहने पर आन में ऑर्डर बनता है, 5100 रुपए किलो तक घी जाता है। दूध बेचने की आवश्यकता ही नहीं, केवल घी बिके और गोबर का वैल्यू एडिशन होकर के बिके। ऐसी कुछ साइकिल है छोटी सी, जिसको आप लोग समझना चाहे तो हम जहां लगे हैं वहां विजिट भी कर सकते हैं, सारे पेपर्स को देख सकते हैं। और आपकी टीम से ही कोई भाई अंकल आगे आ रहे हैं कि भैया हमें करना है, हमें प्रोजेक्ट दिखाओ, तो संजय भाई यहां पर हैं, पूरे हरियाणा के लिए आपके आगे, आपके घर गांव के बैठे ही हैं, आगे बढ़ करके साथ में चलने के लिए। बलवंत जी हैं, ये मित्र हैं जिन्होंने अगुवाई करी है कि बलराम भाई आप यहाँ गौशालाओं के साथ आगे बढ़िए। जमीन मान ले 3 किलो दे दी गौशाला में, हाँ गोबर दे दी, हाँ मेरे चलने की कोशिश करें। ठीक बात है, शुरुआत एक छोटे स्टेप से करें। इसमें अभी इतना बड़ा दांत हम ना डाल सकते हैं, किराए पर जमीन भी मिल जाए, गोबर दे दिया। ठीक बात है, जैसा ये गौशाला का हो जाए, हाँ फिर हमारे पास मान ले लोन मिल जाता है या कुछ और किस्म का। हाँ लोन भी मिल जाएगा, मैं पूरी प्रोसेस समझाता हूँ। हैंडल भी कर लें, 5,000 गोवंश के लिए जो यूनिट लगेगा वो 50 CR का प्रोजेक्ट आता है, 50 करोड़ का। कई सारे जो CNG बनाने वाले हैं वो हमारे साथ बी किसान के साथ टाई अप में है कि जहां कच्चा माल मिलेगा वहां वो आपके साथ एग्रीमेंट करके वो डाल देंगे, आपको पैसे की कोई चिंता नहीं है। वही आप वाली बात हो गई कि गोबर का एग्रीमेंट हो जाए, जमीन का लीच एग्रीमेंट हो जाए, कम से कम 10 साल की बात करेंगे। दूसरा, भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट निकाला है, आप चाहो तो नाम लिख लो या भैया दे देंगे, CBG कंप्रेस बायोगैस, CBG प्रोजेक्ट है। और इसकी पूरी लाइन मिलेगी आपको सतत के पोर्टल पे, SATAT सतत। इस पर भारत सरकार लोन भी देती है लगभग 70% तक, जैसे 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना, ठीक है 50 करोड़ का जैसे प्रोजेक्ट है, उस पे 70% तक गवर्नमेंट का लोन होगा आपकी ट्रस्ट के नाम से, जो भी आपकी पेपर वर्क पे चीजें हैं, मतलब 35 CR का लोन हो जाएगा। बाकी की ऊपर की धनराशि आप लोगों को इकट्ठी करके प्रोजेक्ट को लगाना है। दूसरा मॉडल ये है, उसमें लगभग 35-40% की सब्सिडी भी है, लेकिन वो प्रोजेक्ट लगना, चलना और चलायमान होने पर किस्तें आती है 4 साल में, ब्रेक इन है उसका। जो प्रोजेक्ट आपका लग रहा है 50 CR का, वो प्रोजेक्ट लग करके एक लगभग उसमें 8-10 महीने लगते हैं प्रोजेक्ट को पूरा एक जगह पर इस्टेब्लिश होने में, खड़ा होने में। और अगले 4 साल जब वो कंटिन्यू पर डे रन हो रहा है, तो 4 साल में जो 50 CR का आपने लोन लिया है वो ब्रेक इवन है, पूरा लोन ब्याज सहित भरने के बाद आपका संपत्ति खड़ा होगा 4 साल में, जो गवर्नमेंट पेपर, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जो बैंक ब्याज होता है उसके सारे पेपर से। एक दिशा तो ये है,
लोन लेने वाली, तो संजय भी आपको सारी प्रोसेस यहाँ के क्षेत्र की करवा देंगे। आप लोग अगर चाहो कि खुद लोन लेकर करना चाहो तो गवर्नमेंट लोन देगी, उसमें सब्सिडी भी है और किस्तों में पैसे चुकाते रहना है, इसी को प्रोजेक्ट को बड़ा करते करते। और एक प्रोजेक्ट जो भैया ने बताया कि हम केवल गोबर दे दें तो वहाँ से भी शुरुआत हो सकती है। दोनों बातें हैं। पहले हम आपको पहले प्रधान जी के साथ बता रहे हो, चलो जी प्रधान जी के साथ बात हो गई थी जो पिछले बारे में, और बाकी हम जब दोनों दिशाएं चुनी है, यहाँ पे अपने पास में गोबर ज्यादा है, फिर हमने ये किया कि 15 टन का ना जी, 15 टन पर डे हम कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, इससे पैसा आ जाएगा, 20 आप भी दे देंगे, 25 आप भी दे देंगे, 50-50 हो जाए। मिनिमम पे ये कर लिया, साथ साथ पहले से प्रोजेक्ट डाला हुआ है एकदम से, वो भी आ जाए तो वो भी लग जाए, दोनों को भी काम चलता एकदम, दोनों बात ठीक है ये रहेगा। तो इससे जो ये 30% का जो हमने व्यवस्था कर ली, इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। कंपनी आपकी है, आपका समूह, तब आपको यहाँ 10-12 किले जमीन है रोड के ऊपर, इसमें भी गोबर डंप करते हैं, बराबर है, वो जमीन है, बड़ा गोबर है, एकदम सही बात है। आप जहाँ गोबर डंप कर रहे हो वहीं पर यूनिट लग जाए, वहीं पर यूनिट लगा दो, एकदम सही बात है। इसी रोड पे है, इसी रोड पे है, देख लो जमीन, देख लो उधर सर्वे की टीम आएगी, आएगी। आपने पेपर यही का साइन था? हाँ। आपका जो पेपर साइन होके गया है मैंने सर्वे टीम को भेज दिया है। अच्छा। और भैया से कल बात भी करवा दी है। कब का बतला है? 2-3 दिन बाद इस सप्ताह में ही आपके यहाँ जो सर्वे वाली टीम है जगह देखने के लिए कि यूनिट कैसा लगेगा क्या है, वो टीम आएगी और आप उनसे और क्वेश्चन आंसर कर लोगे, वो पूरे टेक्नीशियन है कि यूनिट कैसे लगेगी, क्या क्या होगा, किस तरह से होगा, इस सप्ताह में ही आएंगे। वो भी चीज अच्छी है कि आधा आप अभी रखो और आधा हम सीएनजी वालों को दे दे, ताकि वो प्रोजेक्ट रन हो जाए, चलायमान हो जाए, हमको ऐसा लगे तो फिर आधे का खुद ही यूनिट लगा ले। ये चीज दोनों अच्छी है, एकदम बढ़िया। एक्चुअली आज की बैठक थी नहीं भाई साहब, अचानक आना हो गया तो हमने कहा कि ओके, तो उसमें हम ये डंप कर रहे हैं वो फ्रिज से, हां तो जमीन बच रही है, उसमें हमने धान धुलवा रखे हैं। कितनी दूर है जगह? 3 किलोमीटर है। अपन चल के देख लेते हैं फिर उधर, एकदम अच्छी बात है, साइड देख लेते हैं, साइड देखो, हां यहां से हम वहां भेजते हैं। हां ठीक बात है, हमारा वहां से वहां तक भेजने में भी दिक्कत ना आए, मिनट लगवा दो हम फिर बिल्कुल लग जाएगी, डिलीवरी दे देंगे वहाँ पे, डिलीवरी दे देंगे वहाँ पे, डिलीवरी दे देंगे अच्छा है, हमारे को किराया मिल जाएगा जमीन का और गोबर हम डिलीवरी दे देंगे, दिक्कत नहीं है, पैसा बचे गौशाला काम आए। गोपाल श्री कृष्ण को .com से जो भी खुल जाएगी नेट पे है, ऑनलाइन है जी, सारी तरह सिस्टम ऑनलाइन है। गोपाल श्री कृष्ण .com से गोपाल लो खुल जाएगी सारी, एकदम ठीक। चले अपन साइड देख लेते हैं, चाय आ गए, चाय डाल फटाफट बन रही है। एक बात जी, बता ले लीजिए भाई साहब। हाँ जी, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं जी सर, बताइए। जैसे आप 50 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बता रहे थे, इससे छोटा कितने करोड़ का होता है? और लगभग 13 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनता है जो गवर्नमेंट पेपर लाइजनिंग में चलता है, जिस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है और बैंकें लोन भी देती है उस पर। 13 करोड़ के प्रोजेक्ट में 5 करोड़ का सब्सिडी रहता है और बाकी आपको किस्तों में भरना रहता है रिटर्न। अगर आप 50 करोड़ का लगा दो और ये गोबर पूरा हमसे नहीं हो तो नहीं, क्या होगा, इस सप्ताह जो मेरी टीम आएगी ना वो आपके यहाँ सर्वे करेगी, पूरा सिस्टम समझेगी, गोवंश कितना है, आपका पर डे का कलेक्शन कितना है, पूरा सर्वे करेंगे। उसके बाद उनको लगा कि 100 किलो गोबर आ रहा है तो हम 70 किलो का यूनिट डालेंगे, 70 किलो आ रहा है तो हम 50 किलो का यूनिट डालेंगे, क्योंकि गोबर बढ़ गया बाद में तो हम यूनिट को बढ़ा सकते हैं, यूनिट डल गया तो घटाने में दिक्कत है, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि गाय भी तो घटती बढ़ती रहती हैं। ये वैसे तो इसी को देख लिया पहले, इसलिए मार्क करके चल रहा है, 50 टन में से 15 का ही हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, 15 का कर रहा है, दिक्कत भी होती है तो अपने यहाँ पे पराली बहुत होती है, पूरा करेंगे, सब्जी मंडियों का वेस्टेज है, हम उससे पूरा करेंगे, दिक्कत नहीं आने देंगे।
पराली सब्जी मंडी से सब्जी एग्रीमेंट हो गया हमारा, गन्ना फैक्ट्री होगी, एक बार आपने कंडीशन बोला था अगर आप लगाओगे तो हमारी ये शर्त होगी कि यहाँ कोई गाय नहीं होगी बाहर, अगर आप लगाओगे तो फिर हम लगाएंगे तो भी यही करेंगे हम, तो फिर हमारी कंडीशन होगी यहाँ बाहर गाय नहीं होगी, आप क्या करोगे साथ में कंडीशन रहेगी, फिर हम जॉइंट वेंचर हो गए भाई, तू बरामद है मेरी जाली है और हमारा मिल के काम हो गया, समझ रहे हैं? नहीं आप उसका कैसे क्या करोगे, कहने का तात्पर्य सब का ये है, उदाहरण केवल इतना था, सामान मांगा आपने और कुछ नहीं किया, आपने कंडीशन टेक दी थी, अगर आप इस प्रोजेक्ट को लगाते हो तो इस गोवंश का 25 किलोमीटर का क्या करोगे आप? हाँ भर जी आपके यहाँ जगह दोगे तो गोवंश को इकट्ठा करके, अगर नहीं हमारे पास उपलब्ध नहीं हुई जगह इतनी जगह बढ़ाएंगे मिलके आगे बढ़ेंगे, उद्देश्य मेरा क्या है कि गोवंश रोड पर एक्सीडेंट में टक्कर न खाए, उसके लिए मिलकर किस दिशा में आगे बढ़ सके, यहाँ के क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति आपको पता है, आप जैसा बताओगे बलराम भाई इधर से ऐसा काम कर लें अपन वैसा काम कर लेंगे, ये जस्ट एक चर्चा है, सीधी कंडीशन टेक की थी इसीलिए पूछा, यस 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये कंडीशन टेक दिख भाई यहाँ एक भी दिखाई नहीं देगा, आप करोगे तो मैं कंडीशन रखूंगा, ये इतने गांव में हजारों है, हजारों भी है साथ में, एक और गौशाला है इधर भी, एक गौशाला है इधर, नहीं हमारी जो कंडीशन है रखो आप, मान ले रख दिया आपने ठीक है मान लिया, वो फिर वो हम अपने गांव से ही करे, जो एरिया मतलब किलोमीटर मत दो, किलोमीटर मत दो, किलोमीटर मत दूर दूर तक गौशाला ही नहीं है, अदरवाइज मध्य प्रदेश में दूर दूर तक गौशाला ही नहीं है, कम है किलोमीटर में तो इतनी गौशाला है, मार कैसे किया, फिर सबसे आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि गौ माता बाहर क्यों घूम रही इतनी गौशाला होने के बावजूद, ये आप लोगों ने पहल करना चाहिए, बलराम भाई साहब आप सरकार से पूछो, हम किसे पूछे हम मिलकर काम करेंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप उसको दिमाग में मत रखो, छोड़ दो, ये सरकार से पूछो ना, वो मैं क्या बोल रहा हूँ काम ही कर रहा हूँ, कम से कम 2000 का मोड़ी तो सेवा कर रहे हैं और सरकार आगे इसका नाम लेकर उससे भी पूछो कुछ क्या दे रहे हैं, वो बहुत गंदा काम कर रहा है, एक ऐसी रिवाज होगी है कि जो गौशालाएं हैं जिसमें जुम्मेवार आदमी हैं कुछ मेहनत कर रहे हैं अपना समय दे रहे हैं पैसा भी दे रहे हैं, आखिर उन्हीं पर डांट लगाते उन्हीं से सवाल करते हैं, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा और सवाल भी उन्हीं से कर रहा है, ये कमेटी बैठी पूरी हरी सेवा दे रही है एकदम सही है, और अगर भोबरा फोड़ते ही नहीं का ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, और उससे पूछे तुमने क्या किया है तुमने क्या बात क्या करने को जा रहे हैं, कितनी सेवा दे रहा है, सही बात, चलो झगड़ते तक है भाई साहब, इसके अंदर जैसे आपने कंडीशन टेक किया ऐसी ऐसी बहुत कंडीशन आती है, नहीं होगा तो वैसे नहीं होगी, कुछ कुछ नहीं करना बात बात है भाई साहब, ये फिर मान लो कब दबड़कानी पड़ा भाई, चलो कोई बात नहीं झगड़ा मोल ले सकते हैं, देखेंगे कब चालू हो जाएगा फिर, इस सप्ताह में जो टीम आएगी विजिट करेगी, फिर आपका और टीम का मिल करके जो लाइनें सपोर्ट में होगी तो इस सप्ताह से काम चालू हो जाएगा, करो भाई साहब उसमें कोई देरदार नहीं है, नहीं जो हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट, टीम जो आएगी विजिट करने के लिए इंजीनियर की टीम आएगी वो सर्वे कर लें, ठीक है, आपकी और उनकी बातें मैच हो जाए तो तुरंत आगे बढ़ गए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, टीम के साथ हो गए आप भाई साहब भी, भाई साहब यही रहे मेरा आना जाना लगा रहेगा, मैं थोड़ा दूर से हूँ यहाँ से 1200 किलोमीटर है, तो टीम का आ जाए जो जगह दिखा देंगे और ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो यही रहना है आपके साथ ही रहना है, इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए ही बैठे हैं हम, यहाँ परिचय ले लीजिए, नमस्ते, मैं सत्यवान ढाका गांव सुनाना, अपना एफपीओ है हेल्दी फील्ड प्रोड्यूसर कंपनी और गौशाला में अपना बहुत अच्छा आना जाना है, दादा नारणवीर सिंह वेदपाल जी सुगर मिल गौशाला मैनेजर, दिलबाग सिंह गाँव नोनो कौन सी सुगर मिले आपके पास बाली वाली, और फायदा क्या होगा बतलो, गोबर कुछ कम गिरा ना तो सुगर मिल की पराली फ्रेशमेंट भी कम जाएगा, मैनेजर गौशाला डीगल गांव से यंग
सतबीर मैनेजर गौशाला डीगल और फौज से रिटायर, ये भी फौज से रिटायर, गांव पुराना, इसीलिए कंडीशन नहीं चाहिए। सत्यवान गौशाला कैसी है? 100% ऑर्गेनिक गन्ना पका है, और रिकवरी रेट बढ़ता है, आधा से 1% बढ़ता है, इसमें तो पूरा। और मैं आपको बताऊं, हमें तो ये करा रहा भाई, गन्ना खेत में बोने के लिए कम से कम 30 क्विंटल की आवश्यकता लगती है अगर वो टक्कर पद्धति से लगाए, और अभी रिंग पिट चल पड़ा है उसमें 50 क्विंटल गन्ने की आवश्यकता लगती है, होल करो लगाओ फलाना ढिमका मेहनत होते। किसान के पास 30 क्विंटल का पैसा पहले होना चाहिए, मजदूरों का पैसा पहले होना चाहिए। डालते ही हमने टेक्निक एक इजाद करी है, आप लोगों को विजिट करूंगा मैं, 1250 पौधे एक एकड़ में लगाओगे और गन्ना पकाओगे कम से कम 500 से 700 क्विंटल। मेरा टीचर कल्चर लैब है, हम पौधे तैयार करते हैं पूरे भारत में देते हैं, तो केला गन्ना और बांस बाम्बू। ये जो पानी से आपकी जो 1800 एकड़ जमीन खराब है उसके ऊपर बैम्बू की और केले की खेती की जा सकती है पूरी की पूरी होगी। ये पूरे गांव के लिए मतलब 1800 एकड़ जमीन खराब हो रहा है। अभी मिले हैं, पहली मुलाकात है, तो आगे बहुत सारी चीजें और जानेंगे। वो भाई साहब डॉक्टर साहब जो एकड़ जमीन देंगे जितने में आप मतलब सीएनजी लग जाएगी और जो बचगी वो भी दे देंगे लीज पर आप गन्ने के लिए उसके लिए। ठीक बात है, वो तो अब आगे जुड़ेंगे तो जो जो पॉसिबिलिटी अच्छी बातें होंगी साथ में पढ़ेंगे, साथ ही रखें, गौशाला का भी लाभ ज्यादा रहे वो विषय करेंगे जिसमें गौशाला। मैंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियों को साथ में जोड़ा केवल इसलिए है, मेरी कतई इच्छा नहीं है कि इंडस्ट्रियों को मैं सीएनजी डलवाऊं, मेरी इच्छा है जो गौशाला है वो खुद सेल्फ सस्टेनेबल बने, आपके खाद के बेचने के लिए, आपकी दवाई के बेचने के लिए। पूरे भारत में हमारे एफपीओ हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं, किसानों के खुद के संगठन हैं। ये कोई अंबानी की कंपनियां नहीं, किसानों की कंपनियां हैं। हम किसान ही जे किसान ही हैं, और हमारे गाय का हमारा गोबर हमारा खाद हम ही हमारे खेतों में यूज करें, ऐसी एक साइकिल बन जाए, सब कुछ ऐसे समाज जाएगा जो बसबा आप जो लगे हुए हो हर साल जो मतलब जो ने सोचा है हर साल घट रहा है। और जब हमारा लास्ट साल आता मार्च तो इस कमेटी को चिंता हो जाती है कि मार्च तक हमारे को मिल जाएगा, तो बाहर की आमदनी कुछ है नहीं। ठीक बात। और ये आप जैसे हमारे जैसे जो दान आपकी हमारी सबकी चिंता का विषय है, इसका समाधान इससे चिंता का विषय चलती है। थोड़ा खर्चा थी 5 करोड़ कम से कम सालाना, और वो अगर पाँच सारा डोनेट से नहीं नहीं इसको हम और आप और मीटिंगें करेंगे, अभी इंजीनियरों की टीम को आ जाने दो और फिर आपकी जितनी भी कमेटी हो एक दिन पूरा भी मैं रुकूंगा इस पे, जो जो भी आपके एरर हैं उनको लिखेंगे पेपर पे, कैसे कौन सी चीज को दूर कर सकते हैं, मेरे पास कुछ ज्ञान है कुछ आपके पास ज्ञान है, रास्ता बनाकर बीच का रास्ता जो बनेगा और बाहर का जो पैसा आए उससे और कैसा विकास हो उस पे जाएंगे, बाहर का पैसा आएगा तो गौशाला चलेगी इस पर नहीं जाएंगे, सेल्फ सस्टेनेबल ही करेंगे हम, हमारी गौशाला को खुद से कैसे चलाएं बस इसी पर पूरा मतलब है। द्वारिका में हमने काम चालू किया है, आप सर्च करोगे द्वारिका जो गुजरात में है उसके संचालक है प्रभुभा मानिक, 7,000 के लगभग गाय है वहां पर। एक छोटा सा वहाँ पर प्रोजेक्ट चालू किया है, गाय के गोबर के कंप्रेस करके दिए बनाना, गुजरात के बड़े शहरों में उस दीपक की कीमत है 10 रुपए का एक दीपक, 10 रुपए का एक दीपक, उस दीपक में सारी हवन सामग्री डाल के रखी है और छोटा सा दीपक है, वो दीपक खुद ही धूप बत्ती का काम करता है। अभी वो दीपक में कितना गोबर लगा, 20 ग्राम, कितना 20 ग्राम, कंप्रेस होने के बाद सूखने के बाद 20 से 25 ग्राम का दिया है वो, ठीक है 10 रुपए का एक दीपक है। हम बात कर रहे हैं 50 टन गोबर की, केवल बात इतनी सी है कि हम छोटी छोटी चीजों को कैसे फाइन ट्यून कर सके और हमारे गांव के लड़कों को उससे कनेक्ट करें, उसी लड़के को उस कंपनी का सीईओ बनाए, उसी लड़के को मार्केटिंग हेड बनाए, उसी लड़के से लेवल पैकिंग कराकर मार्केट में सेल करें,
छोटी छोटी सी साइकिल है ये, एक मैंने उदाहरण दिया है, 7000 गोवंश की गौशाला है द्वारिका में, आप जाकर देख सकते हो, वहाँ दिया बनाने की यूनिट लगा देते भाई इतना अच्छी है, और उसी के साथ हमने सीएनजी जोड़ दिया है, फिर ये दिए हमारे जाए काम खुद ब खुद ले जाएंगे, इसके लिए मार्केटिंग की एक टीम अलग लगे। एक विज्ञापन निकालना है आपको, पंचायत बिठाना है, गांव के जो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो गौशाला में काम करना आना चाहे मार्केटिंग के लिए, पूरी पाइपलाइन हम बताएंगे, उन्हीं लड़कों को आप आपकी गौशाला से रोजगार देंगे, वो मार्केटिंग करेंगे और दिए बिकेंगे, आपके यहाँ नहीं बिकेंगे तो क्या गाँव में बिकेंगे, ये तो शहर वाले गाँव है आस पास। और अगला प्रश्न ये है कि अपना एफपीओ बनाएं, गौशाला का एफपीओ बना लेते हैं, वो तो एरिया का अपनी कंपनी हो जाएगी गौशाला की, ये जैसे गोबर के लकड़ी मारते हैं राजस्थान में और एमपी में चल रही है, बिल्कुल चल रहा है, यहाँ नहीं चल रही, वो भी यूनिट मैंने एक उदाहरण बताया कि एक यूनिट है, लॉट बॉम लगी थी, खून फैल हो गई, खून जैसे हम भी जावा थे, हमने नहीं जाए नहीं जाए। देखो जी गौशाला लाडवा की जो बात है, प्रधान जी चलाते थे बढ़िया, प्रधान जी एक्सपायर होने का, उनके बेटे बैठे हैं, अब आप अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के दवाइयों के लेबल बदली करके गौशाला लगाने लगोगे, लोगों के आंखें बंद नहीं है, गलत करोगे आपके साथ कोई नहीं चलेगा, सही करोगे पूरा चलेगा। मुद्दा केवल एक ही है कि मार्केटिंग आपने सही किया क्या, अभी आप बाहर निकल के देखो कौन सा काम नहीं चलता, चप्पल जूते बनाने वाला, गाड़ी बेचने वाला, सब्जी भाजी वाला, पान दुकान, कौन सा काम रुका है? बात करी थी। जिस काम को फिनिशिंग हो जाए, मार्केटिंग हो जाए, वो चल जाता है। अभी एक ही गांव में दो व्यक्ति हैं, दोनों अनाज का काम कर रहे हैं, एक अनाज का काम करके अमीर हो गया और एक अनाज का काम करके जमीन बेच करके बैठना पड़ा, तो ये क्यों है? पहले वाले को मार्केटिंग आ गई, दूसरे वाले को मार्केटिंग, तो कुछ भी बनाएंगे करेंगे ना, उसमें मार्केटिंग पहले चाहिए तो काम चलेगा। इसमें उत्साहित हुए थे हम, जब पहले से बात की थी, एक लग रही है आपके उसमें, लग रही है भोपाल के पास कोई बड़ी को उठा है, उसमें लग रही है ये पूरा मार्केटिंग का ठेका, आप लोग चाहो तो हम ही उठा लेंगे, कहीं कोई एरर नहीं, आप केवल बना कर दे दो खत्म काम। मैं भी तो ये गोबर हमारा सीएनजी वाला, ये दिक्कत नहीं, आप एफपीओ के मेंबर बने इसके और साथ में आकर के मिलजुल के काम, दोनों काम रहेंगे, विषय ही नहीं बचे, आप ही अगर कंपनी का हिस्सा ही हो गए तो फिर इशू ही खत्म। फिर अगर एक बार ये हमारा किराया मिलने लग गया, कुछ हो गया तो फिर अगर गुंजाइश होगी तो मुझमें साथ। देखो जी जैसे आप लोग साथ देने लग रहे हो ना, आप ऐसे ही साथ दोगे ना तो जो गऊ को यहाँ छोड़ने आएगा उसको 1100 रुपये अपने पास से देने लायक हो जाएंगे, खर्चों के तो छोड़ दो, हम सब प्रयास करेंगे तो ये संभव है, कोई बड़ी बात नहीं ना, कोई फालतू में गाय कहीं घूम रही है कहीं पे किसी ने देखा, वो खुद ही लेके आएगा, जो शर्त करे तो वैसे ही निभ जाएगी, कि गौशाला को कोई यहाँ क्यों लेके आए, बोले 1100 रुपये मिल जाएंगे मेरे को, वो अपना खर्चा चलाएगा किसी। आप जो टर्म्स एंड कंडीशन जो बता रहे हैं कि 25 किलोमीटर के एरिया के अंदर गाय है ना, ये सिस्टम हो जाएगा कि गाय पकड़ने की जरूरत नहीं है, उनको ये पता लगेगा कि इस गाय के 1000 रुपये वहाँ छोड़ने के मिलेंगे तो आपके दरवाजे पर अपने आप ही आ जाएगी वो। दो साल के अंदर जी कम से कम इस प्रोजेक्ट का अगर हम चालू कर लेते हैं तो 2 साल में गौशाला दान देने लग जाएगी, ये उल्टा काम होगा क्योंकि हमारी डेली की डेली इनकम स्टार्ट हो रही है। गीला गोबर लेने का भाई साहब का यही उद्देश्य, नहीं तो सूखा गोबर जो रहता, मान लो गोबर का कंपोस्ट ही लेते तो कितना 24 से 25 पैसे पड़ता है, गीला गोबर की क्वांटिटी बढ़ेगी, 3 गुना 4 गुना कम रहता, लेकिन गीला इसलिए ना चाहते, गौशाला को पैसा है, गौशाला की इनकम को बढ़ाने के लिए ही गीला गोबर खरीदा जा रहा है ताकि उसका वेट ज्यादा हो और पेमेंट ज्यादा आए। एक बार तो वो जगह देख ले फिर आगे, फिर कमिश्नर का टाइम है, समय निकाल के आएंगे तो पूरा दिन आपके जो आप बांस का जो केले की बात कर रहा हूँ ना, ये गुड़गांव में शुरू हो गया है, हो गया? आज कमिश्नर से बात करने जा रहे हैं अभी, अच्छा, वो उन्होंने खुद इनवाइट कर लिया है, चलो। और यहाँ भी जो अपनी 1800 एकड़ जमीन खराब है इसके अंदर अपना ऐसा प्लान कर सकते हैं आगे।